न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावनवाड़ी में। अडाल वन परिक्षेत्र के पीपल गांव निपानी परिसर में विगत 5 फरवरी को मादा तेंदुआ, 2 लोमड़ी, 1 जंगली बिल्ली तथा 3 श्वानों समेत 7 जानवर मृत अवस्था में मिले थे। इस घटना के उजागर होने पर वन विभाग ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए पीपल गांव निपानी निवासी टीकाराम मरघड़े उम्र 60 वर्ष नामक पशुपालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी पशुपालक ने बताया कि श्वानों द्वारा बकरी को मारने पर गुस्से में मृत बकरी के शरीर पर खेती में उपयोग किए जाने वाला थीमेट डाल दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने उक्त आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने एक दिन की पूछताछ के बाद शुक्रवार 11 फरवरी को उक्त आरोपी को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया है। गौरतलब है कि विगत 5 फरवरी को पीपल गांव निपानी के पास 4 वन्य जीवों तथा 3 श्वानों समेत कुल 7 जानवर परिसर में कुछ दूरी के अंतर पर मृत अवस्था में मिले थे, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया था। इस घटना के उजागर होने पर पशु वैद्यकीय डॉक्टरों की टीम ने मृत जानवरों का शव विच्छेदन करने पर सभी मृत जानवरों ने मृत बकरी का मांस खाया था। मांस में जहर के कुछ अंश पाए गए, जिससे वन विभाग की टीम को दिशा मिल पाई। विभाग ने गांव में पता किया तो जानकारी मिली कि टीकाराम मरघड़े की बच्ची दे चुकी बकरी को श्वानों ने मार दिया था। तब टीकाराम ने मृत बकरी का शव गांव के बाहर फेंक दिया, साथ ही गुस्से में आकर श्वानों को मारने के इरादे से बकरी के शरीर पर थीमेट डाल दिया था, जिसके चलते वन विभाग ने टीकाराम मरघड़े को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आगे की जांच अड्याल वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी घनश्याम ढोमरे कर रहे हैं। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।